कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के पुरुकुल गांव में 3 करोड़ रुपए से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। यह सामुदायिक भवन मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद से बनाया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार शिलान्यास भी करती है और लोकार्पण भी करती है। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपार स्नेह के लिए आभार जताते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में अभी तक 54 सामुदायिक भवन बनवा चुके हैं। गढ़ी कैंट में उत्तराखंड के सबसे बड़े सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है, जिसका जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। सामुदायिक भवन में शादी समारोह और सामाजिक कार्य होते हैं। इस दौरान लोगों ने पुरुकुल गांव में बरसाती नाले के पास पुल निर्माण का आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। इसका शिलान्यास हम करेंगे, उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मेरे पास लोग आते हैं, जोशी जी फोन कर दो वेडिंग पॉइंट वाले को, हम फोन करते हैं, कोई 10 छोड़ देता है, कोई 20 छोड़ देता है। जो पैसा किसी आम को लगना चाहिए था, तो उस गरीब का 2-2.5 लाख उसको वहां देना पड़ता है। वहां पर एक ग्राउंड होता है और उसकी दिक्कत आप फांके नालियां फांके बचते रहते हैं, बचते हैं टूट जाते हैं, ऐसी चीजें अजर अमर होती है। ये बनेगा अभी उस कार्यक्रम में मैंने पहुंचा है। तो समय का अभाव है, जिस दिन के लोकार्पण के लिए आऊंगा। मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे विधायक बनाया तो मैं विधायक